आज के इतिहास 5 जून 2023 विश्व पर्यावरण दिवस तो आज है ही, आज और क्या क्या हुआ उन घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं। 1974 भारत की बात करते हैं, आज के दिन एक रिपोर्ट सामने आती है और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट थी। इसमें क्या कहा गया, भारत का बिहार राज्य जो है उस समय पे देखिए बिहार और झारखंड इकट्ठे होते थे, बिहार राज्य में स्मॉल पॉक्स के कारण, चेचक के कारण एक साल में, मतलब ये आज के दिन 1974 को रिपोर्ट आई थी, पीछे चली एक साल उससे, उस गुजरे वक्फे में एक साल के दौरान कम से कम 10,000 लोग, और ये आंकड़ा 20,000 तक भी हो सकता है, इतने लोगों की सिर्फ स्मॉल पॉक्स के कारण जान गई, चेचक के कारण जान गई। तो ऐसा भी दौर देखा है हम लोगों ने, हमारे देश ने सब कुछ। अब बड़ी अच्छी बात है कि ये विश्व से ही ये बीमारी मिट चुकी है, चेचक की जहाँ तक बात कर रहे हैं। 1967 राजेश, आज के दिन एक मिडल ईस्ट में जो है, मिडल ईस्ट अगर आप देखिए तो ये वही एरिया है जहाँ पे अरेबियन कंट्रीज़ हैं, इसराइल है, बाकी सारे है ना ये चीज़ें हैं। हालांकि इसमें मिडल ईस्ट में, इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें अफ्रीका के भी एक देश शामिल है जो कि अरेबियन यूनियन में शामिल होता था जी, अरब यूनियन में, हालांकि वो अफ्रीका का देश। आज के दिन राजेश 6 डे वॉर शुरू हुई थी। ये जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे खास करके या जो तैयारी कर रहे हैं लोग, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है 6 डे वॉर। 3rd इसराइल अरब वॉर थी, ये बता दिया मैंने आपको, एक तरफ इसराइल था और दूसरी तरफ थे अरेबियन कंट्रीज जो थी, और ये अरेबियन कंट्री कौन सी थी जी, इजिप्ट थी, सीरिया और जॉर्डन। इजिप्ट मतलब मिस्र, पिरामिड वाला देश, और सीरिया तो आप जानते हैं अल बशर वाला, और जॉर्डन है शाह हुसैन वाला। राजेश होता क्या है आज के दिन, आज के दिन इसराइल एक हमला कर देता है बिना विचार, जैसे कोल्ड वो बोलते हैं ना कोल्ड स्टार्ट रेटी, पाकिस्तान आरोप लगाता है भारत पे कि भारत का इरादा कुछ ऐसा कोल्ड स्टार्ट, मतलब एकदम से दुश्मन को फायदा लेने के लिए, इसको बोलते हैं प्री एम्पिटिव वॉर जो होता है, मतलब हमला पहले से सूचना दिए, बिना सूचना दिए, बिना इशारा दिए, ये जानते हुए कि अब अटैक करने में ही सबसे बड़ा हमारा फायदा है क्योंकि हम पे अटैक हो जाएगा। राजेश जो सेकंड वॉर हुआ था उसके बाद जो इजिप्ट था ये इसराइल को तंग कर रहा था, अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो इसराइल छोटा सा देश है, ये बहुत छोटा होता था इससे भी, इसने काफ़ी, मैं बताऊंगा आगे इसने क्या किया। तो इसने बोल दिया जी कि हम इसराइल के लोगों को निकलने का रास्ता नहीं देंगे, जो सिनाई पेनिनसुला है वहाँ से है ना, वो पहले इसराइल का हिस्सा होता था, सॉरी इजिप्ट का हिस्सा होता था इधर आके। तो राजेश आज के दिन क्या करता है इसराइल कि ये एक वॉर शुरू कर देता है और सीरिया पे हमला करता है। क्यों, सीरिया में हवाई फौज जो थी उनकी एयरफोर्स है वो बहुत स्ट्रांग थी, और इसराइल अपने प्लेन उड़ाता है और इस पर एयर अटैक कर देता है, सारे प्लेन्स को बैठे बिठाए मतलब रनवे पे हैंगर्स में फाइटर प्लेन्स को नष्ट कर देता है 300 के लगभग। और राजेश साथ ही साथ है इसराइल की जो पैदल सेना है वो भी हमला कर देती है, जैसे मैंने कहा सिनाई पेनिनसुला में, अगर आप देखेंगे तो ये इसराइल का जो नक्शा देखेंगे नीचे की तरफ का हिस्सा जो समंदर में घुसा है उसे पेनिनसुला कहते हैं, जल डमरू मध्य भी कहा जाता है इसे हिंदी में। हाँ, और राजेश गाजा स्ट्रिप जो आजकल बड़ी चर्चा में रहती है, इस पर भी इजिप्ट का कब्जा था अरब में आके, तो इन हिस्सों में अपनी सेना घुसा देता है। अच्छा, इसके साथ क्या होता है, सीरिया भी हमला कर देता है कि इसराइल ऐसे कैसे करते हैं हमारी मुस्लिम कंट्री पे या कैसा है यहूदी लोग। जॉर्डन के पास जेरूसलम सारा जॉर्डन के साथ ही होता था, जॉर्डन भी कूद जाता है। लेकिन राजेश जो इसराइल ने उनको मार दी ना, देखिए आज 5 जून को वॉर शुरू होती है और इसमें क्या होता है कि जो 8 जून है उसमें इजिप्ट हाथ खड़े कर देता है जी कि हमें बाहर करिए, महाराज माफ़ कर दीजिए गलती हो गई जी, इजिप्ट बोलता है। हाँ। 9 जून को जॉर्डन और ये भी हाथ खड़े कर देते हैं, सीरिया भी जी कि जी हमें भी माफ़ कीजिए हमसे महाराज गलती हो गई। लेकिन तब तक हुआ क्या था राजेश, तब तक हुआ ये था कि इसराइल ने ये जो सीरिया की गोलैन हाइट्स थी जो पहाड़ी एरिया था सीरिया का बिल्कुल सीमा से लगा हुआ जहाँ पे सीरिया उस पर दबदबा बनाए रखता था उस पर कब्जा कर लिया। अब इसराइल उठ के पहाड़ियों पर बैठ गया, गोलैन हाइट्स आज भी सीरिया के इसराइल के कब्जे में है। अब इसमें इजिप्ट ने क्या खोया, पूरा सिनाई पेनिनसुला इसराइल ने पकड़ लिया और जो गाजा स्ट्रिप थी वो भी। अच्छा, अब जॉर्डन को क्या नुकसान हुआ, जॉर्डन को जो राजेश नुकसान हुआ उसमें इनको देना पड़ा ये जो आपका ईस्ट जेरूसलम भी और ऊपर का ईस्ट का एरिया जिसमें जेरूसलम शहर जो है वो भी शामिल था, उसका पूर्वी हिस्सा आजकल जो कब्जे में है, सारी चीज़ें इसराइल के पास है। और बदले में इसराइल ने क्या किया, यहाँ से जो इजिप्शियन थे उनको भी खदेड़ दिया, जो सीरियन थे उनको भी खदेड़ दिया, और जो फिर पैलेस्टाइनियन थे उनको भी खदेड़ दिया, कोई सीरिया में गया और कोई गया जॉर्डन में। अब ये देखते हैं ना वहाँ पे, और गाजा स्ट्रिप में तो हैं ही हैं जी। राजेश
इसमें हुआ क्या, हताहत होने की बात, मतलब जो घायल हुए या मरे सैनिक, वो 20,000 अरेबियन फौजी थे, 20,000 और इसराइल के घायल या जो मरे वो 1,000 से भी कम थे। छोटा सा देश और इतने बड़े बड़े देशों से उनके हिस्से छीन लिए, आज भी छाती पे चढ़ा हुआ है इसराइल के। तो राजेश ये था ये आज का इसराइल 6 डे वॉर, आज से शुरुआत हुई थी, 6 दिन बाद खत्म हो गया था। 11 जून को उन्होंने समझौते करके एक तरह से इसराइल को बोला था माफ कीजिए। 1981 राजेश एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आजकल नाम थोड़ा कम सुनाई देता है लेकिन है तो हाँ, नहीं। बिल्कुल आज के दिन पहली बार राजेश है ये प्रकाश में आई बीमारी, ये HIV, वी फॉर वायरस है, यहाँ पे ह्यूमन एक्वायर्ड वायरस जो है HIV, इससे होता है राजेश। आज के दिन पता चली कहाँ, अमेरिका में, 1981 की मैं बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, 5 पुरुष जो लॉस एंजेलिस के थे उनमें एक बीमारी के लक्षण दिखे जो निमोनिया जैसा था, लेकिन वो बड़ा अद्भुत निमोनिया था क्योंकि उस पर कोई दवाई का असर नहीं हो रहा था और वो इम्यूनिटी को ख़त्म कर रहा था इन 5 लोगों की। और बड़ी बात ये लगी पता कि 5 ही लोग होमोसेक्सुअल थे, है ना जी, समलिंगी थे ये। तो राजेश फिर धीरे धीरे पता लगा जब इसमें, तो पूरी रिपोर्ट आज के दिन आ गई कि एड्स भी कोई चीज़ होती है। वैसे मैं राजेश आपको ये बता दूँ इसमें होता क्या है, इसमें जो शरीर के नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम बाहर के इन्फेक्शन के लिए, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। HIV जो ये वायरस है, HIV वायरस जो है उसकी वजह से धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और एड्स कब कहा जाता है, जब वो फाइनल स्टेज होती है इन्फेक्शन की, जिसके बाद मौत निश्चित होती है, अदरवाइज इसको प्रोलॉन्ग करके जो है वो, आपको पता है अब तो बहुत सारी दवाइयाँ आ गई, बहुत लंबी लाइफ बनाई जा सकती है। आज के दिन एड्स 1981 में पता चला था राजेश।